वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ भारती। तो मैं खा रही हूँ तरबूज, आ जाओ आप सब लोग खा लो। और ये पड़ा है मेरा हैंकी, मुझे पूरी जो समय है ऐसे ही बोल रहता है। तो आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी बज रहे हैं सुबह की 8:30 और मैं अभी एक अपने गार्डन में काम करके आई हूँ नीचे। और अभी मैं खा रही हूँ तरबूज, उसके बाद मैं करूँगी बाकी जो नीचे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी जो गैस सिलेंडर होती है उसकी सफाई, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था तो आज चेंज करवाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। जो ट्रॉलीज होती हैं ये बहुत काम की हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़रूर लेकर आएं। तो जितने सिलेंडर हैं, दो सिलेंडर हैं हमारे पास और हमने दो ली है। तो अभी तो ये काफ़ी कॉस्टली हो गई है, जब हमने ली थी तो 80 रुपीज़ की आई थी, तो हमने रिलायंस से ली थी। तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इजी होता है इससे जो सिलेंडर है इधर उधर घुमाना, और सिलेंडर वगैरह के नीचे जो है सफाई भी हो जाती है आराम से। वैसे मैं डेली नहीं करती हूँ सफाई, फिर भी आलस आ ही जाता है, और कभी कभी मैं इधर उधर करके उसको सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रॉलीज़ को भी साफ़ कर रही थी क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी थी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मैं हंकारी हूँ, तो अगर वो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वो एक ही पर्सन है जिसने बोला है, तो अगर वो पर्सन मेरा व्लॉग देख रहा है तो मैं उससे पता नहीं पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरा हंकार कब देखा है। तो आप लोग भी बताओ जो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे चाहने वाले हो, कि आप लोगों को क्या हंकार दिखता है। आप एक साल से मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, क्या लगता है कि आपको मतलब कि मुझ में कुछ इस तरह का अहंकार या अहम मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद लगाया मैंने पूरे घर में झाड़ू और पोछा, जो कि डेली का काम है, इसको कभी स्किप नहीं कर सकते, तो ये तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो किचन के कपड़े होते हैं, जैसे हैंड टॉवल, फ्रिज टॉवल, और जो रोटी रखने के लिए कपड़ा आता है, और डस्टिंग के लिए, या फिर कोई भी इस तरह के किचन के कपड़े होते हैं उनके लिए मैं अलग से सरफ निकाल के रखती हूँ, और उसको जो है उनको किचन में ही वॉश करती हूँ। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं, जो हम पहनते हैं कपड़े उनमें ही वॉश करते हैं, तो बहुत अनहाइजीनिक है। तो इस तरह के जो किचन में जितने भी कपड़े होते हैं उनको हमेशा अलग से धोना चाहिए किचन में। तो आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, वो लोग बाथरूम में ही जो किचन के कपड़े होते हैं उनको वॉश करते हैं, तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। रात को मैंने दाल बनाई थी लेकिन तड़का नहीं लगाया क्योंकि पुरानी सब्जी पड़ी थी तो मैंने इसलिए साथ खाना खा लिया था। वैसे मैंने दाल बना के रखनी थी बॉयल करके, तो सुबह को मैंने इसको
को तड़का लगाया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। तो ये तैयार हो रही है दाल, और उसके बाद आगे का काम करेंगे। फिर मैंने धोए थे घर के जो कपड़े होते हैं, बेडशीट कवर वगैरह इस तरह के, और उनको धूप में सुखाने के लिए ऊपर जाना पड़ा। तो सबसे पहले तार साफ़ करनी पड़ी, जो कि काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो इस तरह से आज मेरा पूरा रूटीन रहा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए, और मेरा आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। बाय बाय, टेक केयर।